कितना बोलेंगे हम, बोल बोल के थक गए हैं। मैं एक ही को विनती करेंगे कि कोर्ट जो फैसला करेगा मेरे वास्ते वो सही करेगा, बाकी हम कुछ नहीं बता सकेंगे। चार रोज से बहुत परेशान है आज पचमा दिन। भरोसा पूरा है मेरे को कोर्ट पे, हम कोर्ट को ही भी भगवान मानते हैं। सरदार आया था यहाँ घर पे बताने के लिए कि तेरा कुड़ी जल गया। अगर जलेगा सर, इतना पलारी यहाँ पे है, यहाँ नहीं आग लगाएगा, जो जाएगा उतना दूर में वो जलने भी। मैं रास्ते में है, वो पिंड से कोई आएगा तो मेरे अकेले के नंगेगा, इसका मतलब तो नहीं है कि किसी के धी के ले जाएंगे। कुछ दिन पहला हुशियारपुर के पिंड जलालपुर के विच एक 6 साला लड़की का कतल होया। पिंड दे ही एक नौजवान ने पहला बलात्कार किया, उस तो बाद बेरहमी दे नाल उसका कतल कर दिता। असी इस वेले पिंड जलालपुर दे विच आ, इह उस लड़की का घर है, जिस घर दे विच ओ लड़की खेडदी सी, अपना बचपन हंडा रही सी। पर एक दिन एक पिंड दे नौजवान ही इस घर दे विच आउंदे ने, उहनां नूं किसी चीज का बहाना ला के ना लैके जाते ने। तो यह घर की हालत देखो तुसी, एक प्रवासी मजदूर ने पिछले 20 सालों तो इत्थे ही रह रहे ने, दिहाड़ी करके अपना घर का गुजारा चलाउंदे ने। पर जो अज हालत इन्हां दे नाल हुई है, जो इन्हां दी बच्ची दे नाल कतल होया, जिस तरीके नाल होया, पंजाब सारा इन्हां दे नाल आ। पर एक पासे सियासत भी भखनी शुरू हो गई है, पर पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होणा ने कहता कि इस केस नूं किसी होर केस दे नाल ना जोड़ के देखा जाए, ना इस ते सियासत होवे, क्योंकि वह पंजाब की धी सी, वह पंजाब की धी है, रहूगी। जिस दे नाल दुष्कर्म होया, जिसने कीता, उसनू सजा भी दिती जावेगी। लड़की दे मां बाप साडे नाल हैगे आ, गलबात करांगे ते जानण दी कोशिश करदे आ कि असल दे विच उदन होया की सी, क्योंकि बहुत ही माड़ी गल है अते समाज दे उपर धब्बा लाउण वाली गल है। असी उस जलालपुर पिंड दे उस घर दे विच बैठे जिथे वह कुड़ी रहिंदी सी। इस माड़ी घड़ी दे विच असी तुहाडे नाल आ जी सारे जणे। तां किन्नी तरीक दी गल आ इह, ते बच्ची इत्थे घरे ही सीगी उदों? देख तो रहा है, सुन भी रहा है, कितनी तारीखें हुआ, कितनी ने, कितना बोलेंगे हम, बोल बोल के तो थक गए हैं। मैं एक ही को विनती करेंगे कि कोर्ट जो फैसला करेगा मेरे वास्ते वो सही करेगा, बाकी हम कुछ नहीं बता सकेंगे। चार रोज से बहुत परेशान है, आज पचमा दिन है। सारे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਗਲਾ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਬੜਾ ਦੁਖਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਂਗੇ ਹਮ, ਕਿਤਨਾ ਬਤਾਤੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਜੋ ਬਾਤ ਥਾ ਵੋ ਅੱਗੇ ਸੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਦਾਲਤ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਸੇ ਸੁਣਾ ਦੋ ਕਿ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? प्रशासन ने शुक्र कितिया कि उसी बेला आकर सारे मेरे को सच्चाई अग्गे में ले आ देती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोर्ट से इंतजार करते हैं कि कोर्ट के अदालत हैं सर, अब तो कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट पे मेरे को भरोसा है। अब तुसी की कम कर दियो, दिहाड़ी दफा करते हैं सर लोकल। इथे पिंड च किन्ने चिर तो रह रहे हैं तुसी? करीब 18-20 साल हो गया यहाँ। 6 लड़की मेरे को इसी जगह जन्म हुआ है। हाँ जी, अब 6 लड़की को उम्र देख के गुना कर लीजिए, कितना दिन हो गया, काफी देर हो गया। तो घर ही है इत्थे पंजाब ची, तुसी रहने हो क्योंकि तुहाडा ज्यादा समय इत्थे ही है। अब तो भरोसा पूरा है मेरे को कोर्ट पे, हम कोर्ट को ही भी भगवान मानते हैं। हाँ, अब जो फैसला करेगा, फैसला सुनाएगा ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान होगा। मजदूर थे, जैसे बोलाता था दिहाड़ी पे जाते थे काम करने के लिए, हम तो मजदूर है, सभी को काम कर सकते थे, जैसे बोलाता था वैसे काम जाके कर देते थे। मेरे को जो मजदूरी था वो दे देता था, ये नहीं जानते थे कि मेरे साथ ये ऐसे नमक हलाल करेगा। पूरा दुनिया को भी पता लग गया, अब
मेरा भरोसा है कोर्ट पे, और कोर्ट जो फैसला करेगा वो सही करेगा। पुलिस प्रशासन का तुम साथ है? पूरा साथ है, प्रशासन भी साथ है और यहाँ का समाज भी पूरा साथ है। हाँ, पूरा साथ, पूरा नगर वासियों साथ है मेरे को, कहाँ कहाँ से मेरे बच्चे के लिए मेरे साथ जुड़े साथ। उसके सारे के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मेरे बच्ची होने के बाद सारा अपना पंजाब आ गया मेरे को, प्रधानमंत्री जनता सारे आया, सबके बहुत बहुत शुक्र करते हैं मैं कि मेरे को ले आया इसी दुख में। अब ये करेंगे कि कोर्ट जो फैसला सुना देगा तो उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। पूरा भरोसा है कि तो बेटी को इंसाफ मिलेगा जी? इंसाफ मिलेगा, पूरा भरोसा है कि अब उन्हें पेश कर देगा तो जरूर वहाँ कोई इंसाफ मेरे को मिलाएगा कोर्ट में, उसके भरोसा करे है। अब नौजवान आया सीगा, अगे भी करे आउंदा सीगा, पहला भी आउंदा सी? अब देख लो अड्डा है, मैं रस्ते में है, वो पिंड से कोई आएगा तो मेरे अगे लेके नंगेगा, इसका मतलब तो नहीं है कि किसी के धी के ले जाएंगे, किसका में गिनती करेंगे देखो है। तो इसके समझ के फ्लेश बहुत में बता चुके हैं, सगठे लोग जान चुका है तो किन्ना में बताई जाएंगे। आज तोड़े नाल असि तोड़े नाल खड़न लई आए हैं, दूरों आए हैं असि तोड़े करके ही इत्थे आए हैं। एक गल ए है कि मतलब की कह के की लेके गया है, कोई चीज दवाऊंगा केंदा? अब बच्चे था घर में, यह कह के ले गया होगा कारू की लेके, आजकल कहेगा कि आज आ जा तेरा मम्मी भी है, तेरा डैडी वहाँ बेली में, चलो यही बताया होगा उसको, पहले काम करते थे ना, बच्चा को यही बोला होगा कि तेरा डैडी काम करता है, यही बताया होगा। तुहानू किदां पता लगा फिर, मतलब पता किवें लगा तुहानू कि उहदी डैथ हो गई उत्थे? सरदार आया था यहाँ घर पे बताने के लिए कि तेरा कुड़ी जल गया, अगर जलेगा सर, इतना पलारी यहाँ पे है, यहाँ नहीं आग लगाएगा, जो जाएगा वो इतना दूर में वो जलने के लिए। पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, असीं भी कोई बहुता इस केस दे विच कोई गलबात नहीं करांगे, पुलिस प्रशासन भी साडे नाल हैगी है, बाहर भी काफी सख्त पहरा होया सर, परसों भी कोर्ट दे विच जदों पेश कीता सी उदों भी दोषियां नूं पिंड वाले ने मतलब उन्हां नूं कुट्टण की कोशिश की, हुण ठीक है इत्थे माहौल उदां ठीक है? बिलकुल माहौल ठीक है, पीसफुल। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ? ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, 6 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਿਰਮੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਸਿਆਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਸਦੀ ਵੱਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।